अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर शिबा। सो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे। तो गाइज़, अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा है और आज का जो ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है ना, वो दोपहर से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर अभी मैं ना मतलब अचार डालने के लिए जा रही थी। मेरे पास ना हरी मिर्चें रखी हुई थी, जो अचार वाली नहीं होती, मोटी मोटी। तो मैंने सोचा चलो इसका अचार ही डाल देते हैं, क्योंकि ये वैसे तो ना तो सब्जियों में यूज़ होती है, ना ये वैसे खाई जाएंगी, फिर मैं इसका ना अचार ही डाल दूँगी। तो यहाँ पर ना वही मैं सारी चीज़ें काट पीट के रख रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैंने ना इनको गोल गोल इस तरीके से काट लिया। इस तरीके से ना रेडीमेड जो मतलब बाहर का बाजार वाला अचार होता है ना, इस तरीके से डला हुआ होता है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर शबाना बाजी खाना पीना गर्म कर रही हैं और मैं पी रही थी पानी। बहुत तेज़ वाली प्यास लगी थी और सर्दियों की जो प्यास होती है ना, बड़ी तेज़ लगती है, बस ऐसा लगता है ना पानी पीते रहो। और यहाँ पर साथ साथ में किचन के जो डब्बे हैं ना, उनको सही कर रही हूँ, क्योंकि ज़रा सा काम करने लगो किचन में ना, फ़ौरन किचन फैल जाता है। और यहाँ पर मैंने अभी दोपहर के खाने में मैंने काट के रखी है सब्ज़ी, आलू बीन नहीं होती, सोयाबीन की जो फली होती है वो मैंने काट पीट के रखी है। तो बस अभी मैं तड़का लगाने के लिए जा रही थी। और मुझे ना, मैं जब भी आप लोगों के साथ में कोई रेसिपी शेयर करती हूँ तो मतलब एक कमेंट आया था कि आप हमेशा इसी तरीके की मतलब कोई भी सब्ज़ी बनाती हैं, इसी तरीके से बनाती हैं, सारी रेसिपी ऑलमोस्ट आपकी एक जैसी ही होती हैं। तो जी हाँ, मैं बिल्कुल इसी तरीके से अधिकतर सारी सब्ज़ियाँ बनाती हूँ। मैं जो पिसे हुए मसाले होते हैं ना, जो लहसुन अदरक और ये प्याज वगैरह जो पीस के बनाते हैं ना, वो मैं बहुत कम मतलब इस तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ पीस करके मसाले। ज़्यादातर मैं खड़े मसाले की ही सब्ज़ियाँ बनाती हूँ। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो पीस के मसाले से भी बनाई जाती हैं, लेकिन मैं पहले खड़े मसाले तैयार करती हूँ, उसके बाद ही उन मसालों को मैं पीसती हूँ, तब उनकी सब्ज़ियाँ बनाती हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे ना टेस्ट नहीं आता उस तरीके की सब्ज़ी बनाने में। और मैं इस तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो सब्ज़ी में बहुत अच्छा खासा टेस्ट मतलब आता है। और देखिए, आप लोगों से बातें करते करते ना मेरी यहाँ सब्ज़ी भी तैयार हो गई है, और कितनी खिली खिली सब्ज़ी बनी है ना। और बस बहुत सारा मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है और बहुत अच्छा कलर भी आया है। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ। हम नहा लिए हैं और धूप बहुत अच्छी निकली है ना, तो मैंने आज अपना हेयर वॉश भी किया है। और लेकिन अभी लग रही है मुझे ठंड, तो अभी पहनूंगी मैं स्वेटर और काम हमारा हो गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर शिबा। सो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे। खाना पीना सब बन गया था और आज मैंने डाला था थोड़ा सा ना हरी मिर्च का अचार मैंने डाला था। तो अचार वचार डालने के बाद खाना पीना, पहले खाना पीना बनाया, फिर अचार डाला, फिर उसके बाद मैं फिर नहाने वाने के लिए गई। काम वाम सारा मतलब करके ही ना फिर मतलब अभी फ्री हुई हूँ। और ये देखो, लगा दी है मशीन, कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े भी धुल जाएंगे, धूप बहुत अच्छी है, तो मैंने सोचा चलो कपड़े भी धुले जाएंगे। अब तो शाम तक अच्छे से धूप निकलती है तो सूख भी जाएंगे, थोड़े से ही कपड़े थे, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, एक बार के धुल गए हैं और धुलते रहेंगे। तो चलिए गाइस, मैंने सोचा चलो ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे भी कंटिन्यू ब्लॉग नहीं जा रहे हैं हमारे, बड़ी दिक्कत सी हो रही है ना, अब ब्लॉग नहीं बन पा रहे हैं ना, तो मुझे भी ये लगता है कि पता नहीं मेरा क्या मतलब काम ना अधूरा सा रह गया है, क्योंकि जब हमें आदत होती है ना व्लॉग वगैरह बनाने की, और जब फिर व्लॉग ना जाए ना, तो फिर ऐसा ही लगता है कि पता नहीं हमने क्या काम नहीं किया। लेकिन करेंगे कोशिश और कंटिन्यू वीडियो लाने की। अभी फ़िलहाल मैं चलूँगी नीचे, मशीन को मैंने घुमा दिया है, एक बार टाइमर लगा दिया है और नीचे जा रही हूँ। और नीचे चल के देखते हैं क्या करते हैं, अभी बहुत सारा काम है। काम तो कुछ ना कुछ घर में निकलता रहता है, पूरा दिन भी अगर आप लगे रहो ना, फिर भी काम नहीं ख़त्म होगा। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं, मिलती हूँ आप लोगों से अभी थोड़ी देर में। तो जी, जर्सी हमने पहन ली है और अभी मैं चलूँगी नीचे। मून के ना कपड़े ले लेती हूँ एक बार ना, उसके कपड़े चेंज करा दूँगी, क्योंकि ऐसे ही होता है ना सारे दिन, मतलब उसके ना दिन में दो तीन बार कपड़े ना चेंज हो ही जाते हैं। फिर मैं सोच रही हूँ उसके कपड़े चेंज करा दूँ, और वो ना खेलता रहता है ना नीचे, मिट्टी मिट्टी में खेलता है ना, तो
बहुत जल्दी गंदा वंदा हो जाता है वो, तो उसके कपड़े चेंज लेके चलती हूँ, फिर ना बार बार मुझसे ऊपर नहीं आया जाता, तो उसको लोवर पहनाऊंगी। तो चलो अभी मिलती हूँ आप लोगों से। तो जी अभी मैं आ गई हूँ नीचे, और मैं ना थोड़ी सी देर ना धूप में बैठ गई थी, क्योंकि अभी नहा के आई हूँ ना तो ठंड सी लग रही थी। फिर मेरी सासू मोम भी यहीं पे बैठी हुई थी, फिर बस मैं उनसे यहीं पे बैठ के ना बातें करने लगी। और खिला खिला सा दिन है, धूप भी काफ़ी अच्छी निकल रही है, लेकिन काफ़ी तेज़ है मतलब। और यहाँ पर अभी मैं मून का दूध गर्म कर रही हूँ, उसको ना मैं मतलब सुलाऊंगी, तो उसको दूध देने के लिए जा रही हूँ, वो ना सो जाएगा दूध पी के। और जब तक उसको लेकर के ना लेटे ना, वो बिल्कुल नहीं सोता। और बच्चों को ना दिन में मतलब मुझे तो ऐसा लगता है ना, सुलाने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए, और मैं तो हमेशा उसको सुलाई देती हूँ। बस दूध ना मैंने साथ के साथ ना फ्रिज में रख दिया है। आजकल ना हमारी किचन में ना बिल्ली आ जाती है और वो ना दूध ख़राब कर देती है। ये देखो फ़ोन चला रहा है बैठ के। हेलो फीडर पकड़ो जल्दी, कैफ इसको लिटा ले, ये सो जाएगा। नीचे को लेटो, लेट के पियो, गोद में लिटा ले इसको। फोन छोड़ दो और निन्नी कर लो, कैफ इसको सुला दो। मून फोन रख दो बेटा, नॉटी, सुला दे इसको, सो जाएगा ये। मून को अभी मैं दूध देके आई हूँ और ना सो जाएगा, फिर मैं ना उसको सुला देती हूँ। फिर ना इधर उधर घूमता रहता है, और बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो उसको ना अभी दूध पीने के लिए दे के आई हूँ, कैफ के पास लेटा के आई हूँ। और अंदर रहो तो ठंड लग रही है, और बाहर आओ तो गर्मी लग रही है, धूप इतनी तेज़ लग रही है, लेकिन अंदर से तो फिर भी बाहर थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और ये देखो हमारी नई वाली बकरी बीमार हो रही है, इसने ना सुबह से कुछ नहीं खाया, ना सुबह से इसने मुंह उठाया है, और पता नहीं ये बचेगी भी या नहीं बचेगी। तो अभी ना चारपाई खिसकाती हूँ, और शाम के लिए ना इनके सूप बनाने के लिए मैं सब्जियाँ सारी वेजिटेबल काट के रख के आई हूँ, शाम को इनके लिए सूप बनाऊँगी। तो बस अभी हम यहाँ पर बैठेंगे और फिलहाल आप लोगों से बातें करेंगे, वीडियो का एंड करेंगे। सारी बकरियां गई हैं खेतों में चुगने के लिए। धूप इतनी तेज हो रही है ना, तो फोन में ना दिख नहीं रहा है मैं कहाँ क्या देख रही हूँ, कहाँ बोल रही हूँ। तो मुझे ना गाइस आप लोगों से मतलब कुछ बात करनी थी, और टाइटल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैंने टाइटल आज ऐसा क्यों डाला है। तो बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम क्या, अक्सर जब भी मैं मतलब व्लॉग बनाती हूँ तो मैं अपने घर का पूरा आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत बार मैंने ये बकरियाँ वगैरह दिखाई हैं, तो मुझे ना एक कमेंट आया था कि क्या दिखाती हो तुम, और गवार, गाँव के लोग गवार होते हैं, और कितनी गंदगी है, क्या है, ये है, वो है, और ऐसे में रहते हो, मतलब पता नहीं कुछ ऐसे ही उन्होंने मतलब लिखा था। तो मैं उनको ना यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ, क्यों गांव के क्या इंसान नहीं होते, हाँ गांव में रहने वाला क्या इंसान नहीं होता। और ये मेरा घर बहुत बड़ा है, ये मेरे घर का बैक साइड है, फील्ड है, मेरा घर अंदर है, मेरी बकरियाँ वहाँ नहीं बनती हैं, बकरियाँ हमारी पीछे बनती हैं। और रही बात गंदगी में रहने की, तो ये जब बकरियाँ यहाँ पर बंधेंगी तो वो चारा भी खाएंगी, वो पोटी भी करेंगी, शूशू भी करेंगी, है ना। उनको कोई डायपर तो लगा नहीं दिया जाएगा कि वो बकरियों को डायपर लगा दें तो वो शूशू पोटी उसमें कर लेंगी, है ना। और दूसरी बात, ये जो बोलते हैं कि गाँव के गंवार, क्यों गाँव में रहने वाले लोग के इंसान नहीं होते क्या, और गांव हो या सिटी हो, देखिए फर्क नहीं पड़ता, है ना। मेरा ये मानना है इंसान का रहन सहन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले इंसान को उसे देख के सीख मिले। और गांव में जो शुद्ध हवा, जो शुद्ध पानी, जो शुद्ध वातावरण है ना, वो मुझे नहीं लगता सिटी के अंदर होगा, है ना। और मैं भी, ऐसी बात नहीं है, मैं गांव में पैदा हुई थी, लेकिन मेरी जो परवरिश हुई है वो मेरी सिटी में हुई है, शादी मेरी गांव में हो गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है गांव में रहने का, है ना। ये तो सब अपनी अपनी सोच है, लोग किस तरीके से सोचते हैं, और हम इस धरती से जुड़े हुए हैं, है ना।
ऐसे लोग ना, मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आता। मैं ऐसे लोगों की मेंटेलिटी मुझे समझ में ही नहीं आती। मतलब किस वे में, मतलब इस तरीके से लोग किसी को भी कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देते हैं, है ना। आप आके देखो ना, मेरे घर में आके देखो, आपको पता चल जाएगा मेरा रहन सहन क्या है, मेरा मेरा घर क्या है, सब सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, है ना। तो बिना सोचे समझे किसी को ना ऐसे ही मत बोला करें। और गाँव और शहर की जो ज़िंदगी होती है ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। शहर में आप जाओ गे, बीमारियां, दुनिया भर का पॉल्यूशन, दुनिया भर का प्रदूषण आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो ये मैंने खुद रियलाइज किया है, जो शांति और जो सुख शांति गांवों के अंदर है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, है ना। तो ये ना, ये इस तरह के कमेंट करने से पहले ना 10 बार सोच लिया करें कि हम गंवार हैं भाई। गांव के हैं तो गांव के लगेंगे, इसमें गंवार की क्या बात है ना। और ये गाय भैंस बकरिया ये चराना, ये कोई आसान बात नहीं होती, है ना भाई। पैसा खर्च होता है इन चीज़ों में भी, है ना। आप पाल लो, लेकिन शहरों में तो इतनी जगह ही नहीं होती लोगों के पास। एटलीस्ट कम से कम मेरे घर में, गांव में मेरे पास इतना बड़ा घर तो है कि मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे घर में पल रही हैं। हाँ, आप पालोगे कैसे, क्योंकि आपके बस की नहीं है पालना। और ठीक है, हम गांव के गंवार हैं। अगर गांव के गंवार ये भैंसे ना पाले ना, आप शहरों में जिन भैंसों का दूध पीते हैं ना, वो गांव के गंवार ही हैं वहाँ पर, जो उनको पाल रहे हैं, जिनको आप रोज सुबह को दूध पी रहे हैं। वरना तो ना आप पैकेट वाला जो दूध होता है ना, उनमें ही जीते रहेंगे, है ना। आज भी शहरों में जाके देखो, लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भैंसों का दूध पीना पसंद करते हैं, है ना। तो वो गांव के ही लोग होते हैं, शहर के लोगों के बस की नहीं है गाय भैंसों को पालना और उनको रखना, है ना। क्योंकि कोई आसान बात नहीं होता खेतों में काम करना, धरती से जुड़े रहना। तो ये बेकार के ना कमेंट ना किया करें आके, और करें तो इस चीज़ पर ज़रा थोड़ा सा सोच समझ के बोला करें, है ना। और रही बात गाँव के, तो भाई हाँ, हम गाँव से हैं, गाँव में पैदा हुए हैं, गाँव में पले बड़े हैं, और गाँव में अब इस मिट्टी में ही मिल जाना है हमें। तो हमें कोई नहीं है गांव के गंवार होने में, गंवार होने में। तो मुझे नहीं लगता मुझे कोई इस पे शर्म आने वाली बात है। तो बस थोड़ा सा यही बात मुझे बोलनी थी, सो मैंने बोल दी। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मेरी बात को। तो चलिए फिलहाल अभी गाइस इस वाली वीडियो का एंड कर देते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में ज़रा सा भी कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।